भाई विनोद आज सुबह लगभग 12:30 बजे के करीब जमाल कॉलोनी मीना कैफे के बाजू एक मकान में मियां बीवी के कुछ घरेलू झगड़े थे। मियां बीवी की बहस और तकरार में बीवी के कुछ रिश्तेदार आके अचानक बेदर्दी मोहम्मद नईम नामी नौजवान जो 32 साल नौजवान है फार्मासिस्ट है बच्चा, अचानक जो है सो उनके कोई रिश्तेदार आए और बेदर्दी से जो है सो गला काट कर मौके वारदात पे बच्चे की जान चली गई और मौके वारदात पे मार के फरार हो गए। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, पुलिस अहदेदारों की मौजूदगी में मुकम्मल पंचनामा वगैरह करके यहाँ से डेड बॉडी को उस्मानिया दवाखाना शिफ्ट किया गया है। बारहा हमारे मौजूद उलमा इकराम, दानिशवर, सियासी कायदीन, बिलखसूस नकीब मिलत दारिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बार बार आवाम को मुतनब्बा कर रहे हैं कि यह इंसानियत से गिरी हुई हरकत कत्ल व गारत गिरी के माहौल को ख़त्म करने के लिए तरगीब दे रहे हैं, लेकिन अफसोस कि जो मसाइल बैठ कर हल किए जा सकते हैं उस पर भी जाहिलाना अंदाज में नौजवान एक दूसरे का बेरहमाना कत्ल कर रहे हैं। छोटी सी बात होगी शायद मियां बीवी का मसला, लेकिन उस पर जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया गया इन दरिंदों को कैफर और किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है जो मुसलसिल हमारे माशरे में चल रही है। इसके खात्मे के लिए मुसलसिल सियासी एतबार से मजहबी एतबार से हर वक्त बेबाक नुमाइंदगियाँ यानी अपीलें की जा रही हैं, नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं, तरगीब दी जा रही हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम इस कदर जहालत के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं कि आज हम अपनी इंसानियत खो दिए। एक नौजवान बच्चा काबिल जो पेशे से एडुकेट भी था और उसके साथ साथ फार्मासिस्ट का जॉब कर रहा था, काबिल बच्चा नौजवान बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, उसका एक मासूम बच्चा जो आज बेयारो मददगार होकर रह जाता है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और अब उनके वालदैन और उनके भाई बहन को, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र सुकून के साथ सब्र की तलखीन करते हैं और जो भी पोस्टमार्टम के बाद तजहीज़ और तदफीन के इंतजाम हैं मुमकिन जो भी मदद हो सकती है करें।